दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं जंगल में घूमने के लिए, और ये है हिमाचल के घने घने जंगलों में से एक जंगल। इसमें है चीड़, देवदार, कायल, तरह तरह की झाड़ियाँ, और एक विशेष पेड़ यहाँ पर है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इन पेड़ों के बीच में लाल लाल रंग लिए हुए एक पेड़ दिख रहा है, तो इसी के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये है हिमाचल का राज्य पुष्प। इसका नाम है बुरांश। ये है बुरांश का पेड़। इस पेड़ में कुछ इस तरह के मार्च और अप्रैल को फूल लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है बुरांश का फूल। अभी हम अप्रैल में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो थोड़े से बुरांश के फूल में जो यौवन था वो हो चुका है थोड़ा कम, इसलिए ये थोड़े से हल्के से मुरझाए हुए भी लग रहे हैं। ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, ये है लाल रंग का। एक गुलाबी कलर का ब्रांच भी होता है और एक होता है सफ़ेद कलर का, लेकिन वो दोनों ही दुर्लभ है। हिमालय के क्षेत्र में 1500 से 3600 मीटर के बीच की जो ऊंचाई है, वहाँ पर ये सदाबहार रहने वाला पेड़ पाया जाता है, लेकिन इसमें फूल आते हैं मार्च और अप्रैल में। बुरांश के फूल का इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है, और जहाँ पर बुरांश के पेड़ होते हैं वहाँ पर पेयजल स्रोत भी पानी से भरे रहते हैं। अगर आप शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा के क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ सड़क के किनारे इस तरह के फूल और पेड़ भी देखने को आसानी से मिल जाते हैं। बुरांश के फूलों की चटनी और शरबत तो दुनिया भर में मशहूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी चटनी बनाई जाती है, और आमलेट की तरह इसकी रोटी बनाई जाती है, जिसे रोटियों के साथ खाया जाता है। सामने बुरांश के पत्तों में से फूल झड़ चुके हैं, और इसमें नई अब कोंपले आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सामने कितना प्यारा बुरांश का फूल खिला है, इसके ऊपर मधुमक्खियाँ भी मंडरा रही हैं। एक बुरांश के फूल में काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ या फूल होते हैं। मार्च अप्रैल में जब ये खिलते हैं तो हिमाचल के जंगल लाल लाल और देखने में बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। यहाँ सामने देखिए किस तरह से बुरांश के फूलों की पंखुड़ियाँ गिरी है। जब ये पंखुड़ियाँ गिरती है तो नीचे सब जगह लाल लाल रंग हो जाता है। ये पंखुड़ियाँ गिरी है इस पेड़ से। और ये पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ पेड़, इसमें भी अब लगभग बुरांश के फूल झड़ने ही वाले हैं। कई झड़ चुके हैं। बहुत ही शानदार व्यू। आप मार्च अप्रैल में जब भी हिमाचल आएं,
बुरांश का शरबत, बुरांश की चटनी, बुरांश के आमलेट की तरह रोटी और बुरांश की वाइन ट्राई करना ना भूलें। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा।